कोविड-19 महामारी के चलते श्री सत्य साई सेवा संगठन हिमाचल प्रदेश समिति हमीरपुर द्वारा मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। समिति द्वारा लगभग 15 से 20 यूनिट रक्तदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा कोरोना संकट के दौरान समिति द्वारा विभिन्न स्थानों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। समिति के सदस्य ने बताया कि साई समिति द्वारा मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 15 से 20 यूनिट रक्त को दान करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले समिति द्वारा विभिन्न स्थानों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है और समिति द्वारा समाज सुधार का काम भी किया जा रहा है। मैं साई समिति की तरफ से जो ब्लड डोनेशन दे रखा हुआ है हमने, यहाँ पर हमारा आज का जो टारगेट है कम से कम 15 से 20 यूनिट तक ब्लड देने का हमने प्रावधान रखा हुआ है। ये सामाजिक सेवाएं जो है हमारी साइंस समिति हमीरपुर द्वारा करवाई जाती हैं। हम इन दिनों में जो साधारण जन स्थान हैं वहाँ पर भी सैनिटाइजेशन कर रहे हैं संडे को, और वीरवार को हमने ये 2 दिन रखे हैं सप्ताह में। इसमें हम जो जैसे बस स्टैंड है, हॉस्पिटल हैं या जनरल जहाँ भी कॉमन प्लेसेज हैं वहाँ पर सैनिटाइज करते हैं। साथ में हमने बच्चों की जो छोटी मोटी बुद्धि विकास है, धार्मिक बुद्धि विकास है, उसके लिए भी हम बाल विकास की ऑप्शन चलाते हैं। तो साइंस समिति द्वारा सामाजिक गतिविधियाँ जो कि समाज सुधार के लिए चलाई जाती हैं, इस तरह से कार्यक्रम हम ये साइंस समिति के माध्यम से करते रहते हैं। ये हमारा समूह जो है ये पूरे पूर्ण रूप से सनातन धर्म के ऊपर आधारित है, और सनातन धर्म का ही हम यहाँ पर जो भी कार्यक्रम है उसके अनुसार ही ये सारे कार्यक्रम करते हैं। समाज सेवा हमारा मुख्य ध्येय है, और डोनेशन करते हैं या कोई भी और भी जो भी हमारे सानिध्य में आता है उस व्यक्ति को हम यहाँ पर लाकर ये इस जो उत्तम सबसे उत्तम दान है रक्तदान उसमें सम्मिलित करके हमें समाज सेवा करते हैं। ओम संगठन। आज जिला हमीरपुर में श्री सत्य साई सेवा समिति हमीरपुर द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 22 लोगों ने रक्तदान किया। इसके अलावा श्री सत्य साई सेवा समिति हमीरपुर जो है वो हमने ये एक बीड़ा इस कोरोना महामारी के दौरान हम हर जगह शहर के हमीरपुर शहर के जो जो कॉमन प्लेस हैं उनमें हम ये सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। और इसके अलावा अभी गुरु पूर्णिमा आ रही है तो हमारी कुछ बहनों ने बाल विकास की क्लासेस लगाई हुई हैं, तो जो गरीब बच्चे हैं उनको हमारी बहनें जो है वो उनको पढ़ा रही हैं, ठीक है जी। और उसके अभी गुरु पूर्णिमा के ऊपर हम उनको मतलब बच्चों को एक उपहार के तौर पर ना एक एक कॉपी और एक एक पेन उनको बच्चों को जो बच्चे उनके पास पढ़ते हैं ना उनको दे रहे हैं जी।